Why always in the morning? Fucking round up some right now. Ain't trying to tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I am paying for your rules. Everything look better with a view. Why you always in the morning? Fucking round up some right now. I ain't trying to tell you what to do. We're trying to play cool. Baby, I am playing for your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. Tomorrow's and I'm feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want for me. I just want your company. Girls love you. तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली मोबाइल प्लेयर के लिए एक ओपी वाली वन टैप हेडशॉट ट्रिक लेके आया हूँ गाइस, जो कि 100% वर्किंग। गाइस, आप लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करना और आप लोग देखना कि आप लोगों का हेडशॉट जो है एकदम पीसी के ऊपर लगते ना, फिर से हेडशॉट लगेंगे। आप लोग भी बोलेंगे भाई कि क्या ही ओपी वाली ट्रिक है। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है गाइस। ये वाली जो ट्रिक है ना, ये आपके फायर बटन के ऊपर डिपेंड करती है। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि ये जितने भी वन टैप प्लेयर्स होते ना, ये मोस्ट ऑफ अपने फायर बटन के थ्रू ही इजीली वन टैप हेडशॉट मारते हैं। अब वो कैसे? देखो, सबसे पहली वाली जो ट्रिक होती है फायर बटन की, कि आप लोगों को अपने फायर बटन को किस तरीके से ड्रैग करना है ताकि इजीली बंदे के हेडशॉट के ऊपर जाके गोली लगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या पता है कि अपना जो फायर बटन है, इसको हमेशा जो वन टैप हेडशॉट वाले प्लेयर होते हैं, जो मोबाइल के ऊपर वन टैप मारते हैं, वो बिल्कुल एंड में रखते हैं, यानी कि नीचे रखते हैं। और उसके पीछे का मेन रीज़न होता है कि वो अपने फायर बटन को ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा तरीके से ड्रैग कर सके। अब जितना फायर बटन नीचे की ओर का अपने मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर, उतना ही ऊपर तक आप लोग उसको ड्रैग कर सकोगे। और जितना ऊपर तक आप लोग अपने फायर बटन को ड्रैग कर सकोगे गाइस, उतना ही आपका जो एम है वो ऊपर जाएगा। और जितना एम ऊपर जाएगा, उतना ही बंदे के हेड पे जाके लगेगा। तो गाइस, ये जो होती है फायर बटन की ट्रिक होती है, जो कि आप लोगों को पता नहीं थी बिल्कुल भी। अगर जिस भी बंदे को नहीं पता थी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब दूसरी वाली जो ट्रिक होती है ना गाइस, वो होती है गाइस आपके एम की, किस तरीके से आप लोग अपने एम को हेडशॉट में बदल सकते हो, ठीक है। अब बहुत सी बार आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो गाइस कि अपने फायर बटन को हम रेड करें, सॉरी अपना जो एम होता है उसको रेड करें, ठीक है, या फिर उसको वाइट करें और फिर जाके हम जो है फायर करेंगे तो हमारा हेडशॉट लगेगा। तो भाई लोग देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों, अगर आप लोग बिल्कुल नए नए हो वन टैप हेडशॉट में, जो कि नए नए हेडशॉट मारना सीख रहे हो, या फिर थोड़े थोड़े ही हेडशॉट लगते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने जो एम होता है उसको पहले रेड होने देना है। यानी कि सबको पता है कि जब भी अपना एम होता है जो वाइट वाइट रहता है गाइस, अगर ये बंदे के पास जाता है, एनिमी के पास जाता है, तो रेड हो जाता है। थोड़ा पास भी जाएगा तो भी रेड हो जाएगा। और जैसे गाइस रेड होता है, उसी टाइम पर अपने फायर बटन को बिल्कुल स्क्रीन के एंड से उठाकर आप लोगों को कहाँ पर ऊपर की ओर ड्रैग करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रैग, यानी कि खड़ा ड्रैग करना है। और इजीली गाइस, आपके हाथ में कोई सी भी गन्स होगी, चाहे यूएमपी हो, डेजर्ट ईगल हो, M1040 हो, कोई से भी गन हो गाइस, इजीली यहाँ पे बंदे को वन टैप हेडशॉट लगेगा। और ये वाली जो ट्रिक है ना गाइस, ये बहुत ही कम बंदों को पता है, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना जानते। अपने फायर बटन का साइज बड़ा छोटा करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं, उसको साइड में रखते हैं, कोने में रखते हैं, स्ट्रेट ट्रैक नहीं करते हैं बल्कि 360 डिग्री करते हैं। ये सारी ट्रिक इस्तेमाल करते ना, इसलिए उन लोगों को वन टैप हेडशॉट यहाँ पे नहीं लगता है। जबकि आप लोगों को क्या करना है कि बिल्कुल बिगिनर से सीखना है, बिल्कुल शुरुआत से सीखना है, तो हमेशा अपने फायर बटन को गाइस नीचे की ओर रखो, एम को रेड होने दो, और फिर आप लोग अगर अपने फायर बटन को नीचे से ऊपर की ओर एकदम के साथ ड्रैग करोगे, तो इजीली यहाँ पे आप लोगों के वन टैप हेडशॉट लगेंगे। और गाइस, ये जो दोनों ट्रिक होती ना, ये तभी वर्क करेगी जब आप लोगों की सेंसिटिविटी एक परफेक्ट सेंसिटिविटी होती है। देखो, परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या होती है गाइस? देखो, सेंसिटिविटी जो एक मेन हिस्सा होती है आप लोगों के लिए यहाँ पे वन टैप हेडशॉट मारने की, हमेशा आप लोग ये ट्राई करो कि आपके जो डिवाइस की सेंसिटिविटी होती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई सा भी डिवाइस हो गाइस, वहाँ पे जो है आप लोगों को अपने डिवाइस की सेंसिटिविटी बिल्कुल 100 रखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी गाइस, उतनी ही आपके जो मोबाइल की जो है मूवमेंट होगी, और जितना ज़्यादा मूवमेंट होगी ना, उतना ईजी होगा आपके एम को बंदे की बॉडी से खींच कर हीट पर ले जाने में। तो गाइस, हमेशा आप लोगों को 100 सेंसिटिविटी पे ही खेलना है। AWM की सेंसिटिविटी आप कितनी भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो रेड डॉट है और जो आपकी जनरल सेंसिटिविटी गाइस, उसको आप लोग 100 करिए, और 2x 4x को भी आप लोग 100 कर लिए, ताकि जब भी आप लोग इसको खोलो तो इजीली यहाँ पे बंदे को वन टैप हेडशॉट लग जाए। तो गाइस, ये तीनों ट्रिक होती है ना, ये तीनों बहुत ही ट्रिक सिंपल ट्रिक है, और इसके थ्रू आप लोग इजीली वन टैप हेडशॉट भी मार सकते हो। गाइस, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि किन किन बंदों ने ये ट्रिक को इस्तेमाल किया है और यहाँ पे वन टैप हेडशॉट इजीली लग रहे हैं,
चाहे वन टैप हेडशॉट हो या फिर आप लोग एक नॉर्मल हेडशॉट मारो गाइस, बहुत ही ओपी वाले हेडशॉट लगते हैं। अब बहुत सारे बंदे मुझे बोलते गाइस कि आप पीसी मोबाइल के अंदर इतना अच्छा गेम प्ले दिखाते थे बट पीसी के ऊपर क्यों शिफ्ट हुए, उसके पीछे का एक मेन रीजन गाइस वो मेरा एक अंगूठा है जो कि बिल्कुल ही थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया गाइस, ठीक है। तो इस वजह से मैं मोबाइल के ऊपर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता हूँ एक अंगूठे की वजह से। सो मैं जो हूँ पीसी के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ ताकि वहाँ पे मैं इजीली जो है अपनी लाइव भी कर सकूँ और अपना जो गेम है उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे सकूँ। बट मैं कंटिन्यू बाई गाइस मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही जल्द मैं वापस मोबाइल के ऊपर आके कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे को मोबाइल के ऊपर काफ़ी ओपी वाले वन टैप लगते थे बट पीसी के ऊपर मेरे को दिक्कतें होती खेलने में क्योंकि मैं नया हूँ गाइस, ठीक है। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो।